हेलो फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, इस बार जो ये वीक स्टार्ट हो रहा है, ये शारदीय नवरात्र की नवमी के दिन स्टार्ट हो रहा है और मंगलवार को दशहरा है, यानी कि 24 अक्टूबर को दशहरा है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स। जैसे कि रावण की बुराइयों का श्री राम ने अंत किया, वैसे आप भी अपने आसपास की बुराइयों का अंत कीजिए। और उसके साथ साथ यदि आपके अंदर भी कोई गलती से बुराई डेवलप हो रही है तो उसको दूर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टैरट कार्ड रीडिंग से आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए देखते हैं ये वीक कैसा जाने वाला है। इस वीक में दशहरा भी है और नवमी भी है, तो जो आपके कार्ड निकल रहे हैं ये कार्ड्स से समझ में आ रहा है दैट इस वीक में यू आर गोइंग टू हैव समथिंग इन अबंडेंस। आपके लिए ये वीक पॉजिटिवली स्टार्ट होने वाला है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप जो चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने वाले हैं, आपका कैरियर में भी चेंज आने वाला है। देखिए, अबंडेंस में, अबंडेंस का कार्ड ही ये शो कर रहा है कि आपको हर चीज़ बहुतायत में बहुत उसमें मिलने वाली है। तो पर आपको इन सब चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी, सोच समझकर ये जो चेंजेस हैं, देखिए चेंज का कार्ड भी है, तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। आपके सामने एक चुनौती भी आएगी। ऑफ कोर्स जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं तो चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, तो आपको ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। सो आपको घबराना नहीं है, फेस द चैलेंजेस। जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं, बस आपसे एक ही बात कहा जा रहा है कि जो काम आप नहीं कर सकते हो उसको मत एक्सेप्ट कीजिए। और इन सब चक्करों में आप अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखिए, आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वृषभ राशि की ओर। आइए देखते हैं वृषभ राशि के लिए ये वीक क्या कह रहा है। वृषभ राशि, जो वृषभ राशि के कार्ड्स निकल रहे हैं, आपका जो कार्ड निकला है पोस्टपोनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, अबंडेंस एंड इंटेंसिटी। दोस्तों, ये जो आपके कार्ड्स निकले हैं ये आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या चाहत है। ये अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड आपसे यही कह रहा है। और आपको यदि आप किसी काम को पोस्टपोन करते हैं, आगे के लिए टाल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। कभी कभी काम पोस्टपोन करने से हमारी प्रोग्रेस या सक्सेस या जो हमारे को सक्सेस मिलने वाली है वो रुक जाती है। और ये जो अबंडेंस का कार्ड है ये बता रहा है आपको, देखिए इसमें दोनों दिया हुआ है, मून एंड सन दोनों दिए हुए हैं। दैट मीन्स आपको 24 आवर्स, 24 घंटे ही आपके पास में कुछ अबंडेंस में आ सकता है, बहुतायत में आ सकता है। वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं और वो आपके प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकती हैं। कोई भी चीज़ है वो आपको इंटेंसिटी से करना होगा। आपको किसी भी चीज़ को सुलझाने में, आपका कहीं भी कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसमें आपको खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको आपके ये कार्ड्स इस बार यही कह रहे हैं कि शुरुआत तो आपकी अच्छी रहेगी, बट शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल में रहकर चलना होगा और एंड तक आते आते आपको कुछ विवाद हो सकते हैं जिनको सुलझाना पड़ सकता है। चलिए अब अगली राशि हमारी आती है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के लिए हमारे टैरट कार्ड्स क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, कैसा बीतेगा ये दिन, आपको किस किस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है,
आपको किस किस फील्ड में ध्यान रखना है, फैमिली है, आपकी जॉब है, और त्यौहार तो चल ही रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। रीबर्थ, मॉरेलिटी, नथिंगनेस, और एक जो आपका कार्ड निकल रहा है वो है स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, ये जो वीक है, मतलब आपके आपके सामने कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आपके सामने चैलेंजेस, चुनौतियां आ जाएंगी, कठिनाइयां आ जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो असफलता आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है, और इन सब चक्करों में आप अपनी मॉरेलिटी को ख़त्म मत होने दीजिएगा। जो शुरू इस वीक के स्टार्टिंग में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इन कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है कि इस वीकेंड तक काफ़ी हद तक आपके अपने कैलिबर से, आपके अपने हिम्मत से, आपके अपने पेशेंस से आप चीज़ों को कंट्रोल में ले आएंगे, और आपके जो विरोधी हैं उनको भी आप अपने कंट्रोल में ले आएंगे। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ओफ, वो सब चीज़ मेरे हाथ से निकलती जा रही है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंटली यदि आप बिहेव करते हैं तो अपने विरोधियों पर आप नियंत्रण कर लेंगे। हमारी अगली राशि आ रही है कर्क राशि। आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए टैरोट कार्ड्स में ये वीक क्या कह रहा है। ये वीक जो कि नवमी से स्टार्ट हो रहा है, शारदीय नवरात्रों की नवमी से स्टार्ट हो रहा है, और ट्यूसडे को दशहरा भी आ रहा है। देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं टैरोट कार्ड्स। आपके जो कार्ड्स निकल रहे हैं कर्क राशि, इंटेंसिटी, कर्क राशि आपसे कहा जा रहा है कि आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी जो काम कर रहे हैं उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी एंड टर्निंग इन, फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको क्रिएटिविटी भी करनी होगी। फ्रेंडलीनेस, आपके जो चार कार्ड्स निकले हैं ये बता रहे हैं कि आपको अपने काम में फोकस करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी करते हैं, दूसरों के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क मींस आप इधर उधर सबके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको सारी की सारी एक दूसरे पे की आपको खबरें मिलती रह सकती हैं। और टर्निंग इन मतलब कि आपसे ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी फैमिली और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यू शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स योर फैमिली एंड चिल्ड्रन। और यदि आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि फर्दर एजुकेशन के लिए भी जा सकें। क्रिएटिविटी इंटेंसिटी जो आपकी है ये बता रही है कि आप फर्दर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके यदि बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिवली बिहेव करना है, पॉजिटिवली रहना है। जो भी इन्वेस्ट करते हैं अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा, और अपने रिश्तों में आप देखिए फ्रेंडलीनेस की ज़रूरत है। ये जो कार्ड फ्रेंडलीनेस वाला आया है ये कह रहा है कि आपके रिलेशंस में आपको ध्यान रखना है, वाद विवाद ना हो किसी बात की, किसी कारणवश आपके रिलेशंस में कोई टकराव ना हो। इसके साथ ही चलिए हम चलते हैं सिंह राशि की ओर, देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या रीडिंग आ रही है। सिंह राशि को क्या करना है, कैसे करना है, किस काम के लिए सचेत रहना है, और किस काम के लिए आपके सामने कोई चैलेंज भी आ सकता है, ये सभी राशियों पर लागू होता है। दोस्तों, मैं टैरोट का रीडर हूँ और मैं अपना नंबर डिस्प्ले में दे देती हूँ। यदि आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं सिंह राशि के लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं। अबंडेंस, पोस्टपोनमेंट आपका जो कार्ड निकल रहा है, इनर वॉइस, आपसे इनर वॉइस, आपने आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए कहा जा रहा है, और आइसोलेशन, अकेलेपन से शायद आप थोड़ा घबरा जाएं, हो सकता है आपको अकेलापन भी झेलना पड़े।
तो ये जो कार्ड्स आपके आए हैं ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने आंतरिक अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, और देखिए चंद्रमा है इसमें, तो चंद्रमा तो मन का कारक होता है, तो आप यदि अपने मन की आवाज़ को, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि जिनको कि हम यदि हम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनकर उन कामों में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सही निकलता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है, लिसन टू योर सोल्स वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो आपके कार्यों में आपको अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपके कामों में पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, आपके कामों में न्यूनेस नज़र आएगी, नयापन दिखाई पड़ेगा, वही जो स्टेल तरीके से आप चलते जा रहे हैं वो नहीं होगा। और हो सकता है आप कुछ काम पोस्टपोन भी करने की सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। और कभी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो डोंट गो इन आइसोलेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफ अलग थलग होके बैठ गए और आंसू बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आपसे यही कहा जा रहा है कि सबके साथ रहिए, कोई चिंता बेचैनी जिम्मेदारी कोई चैलेंज आपके सामने आता है तो परेशान नहीं होना है। एंड यू नीड टू बी वेरी मच, यू नीड टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। ये कार्ड्स आपके यही कह रहे हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए कोई चैलेंजेस सामने आते भी हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंह राशि कुल मिलाकर आपका ये वीक अच्छा ही जाने वाला है। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि देखें टैरट कार्ड्स में आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। कन्या राशि के जो कार्ड्स आ रहे हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट, ट्रस्ट स्लोइंग डाउन एंड द ड्रीम। दोस्तों ये जो कार्ड्स आपके आए हैं ये कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वर्तमान पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप अपने पास्ट को ही चिपके हुए हैं, इसलिए आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और प्रेजेंट पे यदि फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, वो सफ़र करने वाला है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका जॉब, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से चलने वाला है। आपकी पास्ट की बातों को लेकर, पास्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर आपका पास्ट नहीं चलने वाला है, आपका जॉब नहीं चलने वाला है, ना आपका बिजनेस चलने वाला है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फोकस ऑन प्रेजेंट, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए यदि आपने पास्ट पर फोकस किया तो यू विल स्लो डाउन। देखिए आपका ये जो कार्ड आया है स्लोइंग डाउन का, ये कार्ड बता रहा है कि आपने यदि पास्ट पर चिपके रहे पास्ट को, आप प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस कारण से जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है वो भी दूर चली जाएगी। सो प्लीज फ्रेंड्स पे अटेंशन टुवर्ड्स योर प्रेजेंट, फोकस ऑन योर वर्क, और जिससे कि आपकी इसमें पॉजिटिविटी आए। वीकेंड तक आपके लिए सप्ताह एकदम पॉजिटिव हो जाना चाहिए। आपके ड्रीम्स, ये वाला जो कार्ड है ये शो कर रहा है आपके ड्रीम्स, आपके सपने पूरे होने चाहिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट कार्ड यही बोल रहा है दैट यू हैव टू हैव फेथ ऑन मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आने के साथ साथ आपकी फैमिली में, आपके जीवन साथी के साथ, आपके इन्वेस्टमेंट सब पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। सो कुल मिलाकर कन्या राशि को यही कहा जा रहा है कि इस वीक में आप लोगों को आगे की सोचनी है, पीछे की मत सोचिए। चलिए अब हम चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जो कार्ड्स हैं टैरट कार्ड्स की तरफ से क्या निकल रहे हैं, टैरट कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुला राशि, मैं अपने डिस्प्ले में एक मोबाइल नंबर देती हूँ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप उसमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आपका जो कार्ड निकल रहा है वो कार्ड तुला राशि
के लिए जो कार्ड निकल रहा है वो है टर्निंग इन इंटेंसिटी द फूल एंड क्रिएटिविटी। तुला राशि, आपको सावधान किया जा रहा है। देखिए जो आपके चार कार्ड्स निकले हैं इसमें आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है आप अपने आप को बहुत लेथार्जिक महसूस कर रहे हो, बहुत आलस कर रहे हो और आप किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच रहे हैं। इस कारण आपको बोरियत महसूस हो रही है। आपसे कहा जा रहा है ट्यूनिंग इन, आपसे कहा जा रहा है कि खुद की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको कोई फिजिकल टेंशन हो, कोई स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस कारण भी आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो तुला राशि के ये जो कार्ड्स निकले हैं इनसे ये भी पता लग रहा है कि आपको अपने आप एक फूल मतलब एक मूर्ख व्यक्ति की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो बिना देखे बिना सोचे बिना समझे आगे बढ़ता जा रहा है। आपको अपने खर्चों पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और जगह जगह हर एक से आप आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत कर रहे हैं। तो ये जो कठिन समय है इस कठिन समय को आप अपने टर्निंग इन अपने अध्यात्म अपने अपनी सोल के बारे में सोच कर मेडिटेशन करके आप इस कठिन समय को क्रॉस कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपसे यही कहा जा रहा है बिना देखे सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए टैरोट कार्ड्स में क्या मैसेज है। यस, हियर वी गो फॉर वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि जो आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, ट्रस्ट क्लिंगिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंसिंग एंड वी आर द वर्ल्ड। ये जो आपके कार्ड्स निकले हैं ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको पुरानी बातों की तरफ क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पुरानी बातों को मत सोचिए। यदि आपने पुरानी बातों से को सोचा तो जो पॉजिटिविटी आपके आसपास होनी चाहिए वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। वैसे तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए वी आर द वर्ल्ड, ये कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड निकला है आपके लिए। एंड ट्रस्ट का कार्ड भी निकला हुआ है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी निकला, तो मीन्स ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। दीज आर शोइंग दैट यू विल हैव अ पॉजिटिव वीक। आपकी चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, सब जगह आपको जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में हैं तो आपको रिकग्निशन मिलके आपको पुरस्कार भी मिल सकते हैं। बट आपका ये जो कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं यदि पीछे वाली बातों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपकी पदोन्नति भी रुक सकती है, प्रमोशन आपके जो आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में और तो उसमें भी आप पीछे रह सकते हैं। और क्योंकि पिछली बातें सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं, उस टेंशन में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अक्टूबर का ये लास्ट वीक है, इसको पॉजिटिविटी से ही एंड होने दीजिए। यदि आपने पॉजिटिव खुद को रखा तो आपको अपने बॉस का भी ट्रस्ट मिलेगा, आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार संघ का भी ट्रस्ट मिलने वाला है। और इस तरीके से यदि आपने किया तो आपका ये वीक बहुत अच्छा चला जाएगा। ओनली थिंग दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर पास्ट। वृश्चिक राशि के बाद में धनुराशि, धनुराशि आइए आइए हम देखते हैं आपके लिए टैरोट कार्ड में क्या रीडिंग आ रही है। धनुराशि के जो कार्ड्स निकल रहे हैं, मैच्योरिटी चेंज एग्जॉशन और टोटैलिटी। धनुराशि आपके कार्ड्स वैसे तो अच्छे ही सारे निकले हैं, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका वीक ये पॉजिटिव जाने वाला है, आपका ये वीक पॉजिटिव जाने वाला है और आपको सक्सेस भी मिलेगी।
बस आपको एक ही बात कही जा रही है कि एग्जॉशन से बचिए, टेंशन तनाव से बचिए। आप सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में झोंक देंगे, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में झोंक देंगे, इस कारण आपको टेंशन बढ़ने वाला है, आपको थकान हो जाएगी और आपका टेंशन बढ़ने वाला है, और इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। यदि टेंशन बढ़ा तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आई तो आपका परिवार भी टेंशन में आ जाएगा। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, मैच्योर बिहेवियर कीजिए, आपकी जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। बस इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक मत दीजिए कि आप इतना टेंशन में आ जाएं कि आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाएं। बस आपको एक सलाह दी जा रही है कि आपको, क्योंकि आप इतना अच्छे से काम करने वाले हैं तो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, दुश्मन इन द सेंस कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और आप कहीं भी मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मनी, यदि आप बिजनेस करते हैं तो कहीं भी मनी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों मैं अपना एक मोबाइल नंबर डालती हूँ और मैं टैरट कार्ड रीडिंग करती हूँ। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम उस मोबाइल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका टैरट कार्ड रीडिंग से आंसर दूंगी। आपके ये कार्ड्स निकले हैं डेंसिटी, टर्निंग इन एंड क्रिएटिविटी और स्ट्रेस। दोस्तों कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं और आपकी जो ये कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करते हैं, मन लगाकर, पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से आप काम करते हैं, आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हैं और आपका नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा चलता है। आपकी इंटेंसिटी एंड ट्यूनिंग इन सबके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है। आपका नेटवर्किंग मीन्स आपके फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, आप बिजनेस में हैं तो आपके को बिजनेसमैन, इन सबके साथ आपका बहुत अच्छा चलता है, ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर। पर फिर भी क्या होता है, कभी कभी आप स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, और वो जो आपका टेंशन है वो आपके दोस्तों से, आपकी दोस्ती में, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके रिलेशंस में, आपके को पार्टनर्स, को बिजनेसमैन के साथ थोड़ा थोड़ा आपके रिलेशंस को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए यू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखा रहे हैं। आपको हो सकता है थोड़े इसमें क्रिएटिविटी से पता लग रहा है कि आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, त्यौहार चल रहे हैं, खर्चे वर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप मत लीजिएगा टेंशन, क्योंकि इस वीक में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू कम इन स्ट्रेस। ये आपका कार्ड जो स्ट्रेस कार्ड है ये बता रहा है कि यू डोंट हैव टू कम इन स्ट्रेस। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि, मैं अपने डिस्प्ले में एक नंबर देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। आइए देखें टैरट कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। कुंभ राशि के जो कार्ड्स निकल रहे हैं, द फूल, ओ माय गॉड, कुंभ राशि आपसे तो कहा जा रहा है आप बिना सोचे समझे कुछ डिसीजंस ऐसे लेने वाले हैं जिसके कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन, एग्जॉशन, और जो आपका कार्ड निकल रहा है प्लेफुलनेस। दोस्तों कुंभ राशि, आपको तो कहा जा रहा है कि आपकी जो इस वीक की जो शुरुआत है वो बहुत आपको एग्जॉस्टेड फील करेंगे आप, या पिछले वीक में आपने लगता बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो आप एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं, और एग्जॉस्टेड रहने के कारण आप उदास भी हो सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में आपको टाइम लगने वाला है।
मीन्स यू आर फीलिंग समथिंग, मीन्स यू आर फीलिंग सो बैड, नो यू आर थिंकिंग दैट लास्ट वीक ऑल्सो आई वॉज सो बिजी, और अभी इस वीक में भी फिर बिजीनेस आपकी दिख रही है. उस बिजीनेस के चलते आप एक गलती कर सकते हैं, वो ये है कि कोई भी पेपर पे आप बहुत फटीग्ड थके हुए रहेंगे तो किसी पेपर पर आप गलती से बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा. आपको जैसे कि ये बंदा बिना देखे आगे बढ़ता जा रहा है और उसको पता ही नहीं मैं आगे जाके कहाँ गिरने वाला हूँ, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा मत कीजिएगा. कुछ भी पेपर साइन करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो आप निर्णय लेते समय सावधानी बरतिएगा. आपको ये कहा जा रहा है, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा थकान में, प्लेफुलनेस, मस्ती के मूड में आए और कुछ भी पेपर साइन कर दिया और आप परेशानी में आ जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा. यदि आप कंट्रोल रखते हैं इन सब चीज़ों पर तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वीक है. आपको न्यू चांसेस मिलने वाले हैं. देखिए, हर चीज़ आपके सामने ब्लैक एंड वाइट होकर आने वाली है. न्यू चांसेस आपको मिलने वाले हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करने वाले हैं और आपके बड़ों का आपको कोऑपरेशन भी मिलेगा. कहीं कोई रिलेशंस में आपके खटपट चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएंगे. कुल मिला के आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है. बस एक ही बात के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अलर्ट रहें. और ये अब हमारी आखिरी राशि मीन राशि के लिए कार्ड्स निकलने वाले हैं. मीन राशि को भी मैं बता दूं कि मैं डिस्प्ले में अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आपके यदि कोई पर्सनल प्रॉब्लम आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इन द मीनवाइल, मीन राशि आपका जो कार्ड निकलने जा रहा है, मीन राशि का जो कार्ड निकला है, अबंडेंस, कंट्रोल, पेशेंस. मीन राशि आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं कि इनर वॉइस. मीन राशि आपसे कहा जा रहा है अंतर आत्मा की आवाज़ आपको सुनकर चलना है. ये जो इनर वॉइस का कार्ड निकला है ये आपको बता रहा है कि आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है. वैसे तो ये कार्ड्स आपके सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, बट ये पॉजिटिविटी तभी रहेगी जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखेंगे. देखिए, आपका कार्ड निकला है कंट्रोल, दिस इज द कार्ड ऑफ कंट्रोल. तो आप यदि अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखते हैं तो ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव जाने वाला है. हर काम में आपको सफलता मिलेगी. अबंडेंस का कार्ड है, मून एंड सन दोनों है, मतलब दिन रात कभी भी आप, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी. न्यू चांसेस भी आपके सामने आने वाले हैं और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन की बात नहीं होती है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हम गलतियां करते हैं. तो आपसे यही कहा जा रहा है, कंट्रोल में रहिए, अपनी पेशेंस को कंट्रोल में रखिए, अपनी इनर वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए, तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव होगा. आपके आध्यात्म का, मीन्स वे टूवर्ड्स गॉड, वो भी आपके सामने रास्ता खुलने वाला है. रिश्तों में खुशियाँ रहेगी और आपको अबंडेंस में सब कुछ मिलने वाला है. तो अबंडेंस बहुत आयत, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ मिलने वाली है. तो इट शोज़ सक्सेस, प्रगति, आपकी उन्नति प्रगति होने वाली है इस वीक में. बस आपको अपने पेशेंस रखनी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, कंट्रोल रखना है, तो आपके पास सब कुछ खूब अबंडेंस में आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस बार का ये टैरोट कार्ड रीडिंग मैं फिनिश करती हूँ. सी यू सून नेक्स्ट वीक. बाय फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट.